हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आईटीआर वन फाइलिंग। आईटीआर वन जब हम फाइल करते हैं तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के अंदर कंप्यूटेशंस बनाना पड़ता है। कंप्यूटेशंस का मतलब होता है कि सर आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है या फिर आपका कितना रिफंड आ रहा है, ये फाइंड करने के लिए हमको इनकम टैक्स का कंप्यूटेशंस बनाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आईटीआर वन के लिए कंप्यूटेशंस प्रिपेयर करेंगे। दैट मीन्स कि एक्सेल के अंदर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये आज अपनी वीडियो में कवर करने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस रखिएगा, स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा सर इनकम टैक्स के लिए हम कंप्यूटेशन इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आईटीआर वन किस तरह से फाइल किया जाता है, लेकिन आईटीआर वन के अंदर वो जो इंफॉर्मेशन पुटअप करते हैं कि सैलरी प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो वो फिगर कहाँ से आते हैं और इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है सर आईटीआर वन कैसे फाइल करते हैं। तो आईटीआर वन फाइल करने से पहले हमको ये कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कंप्यूटेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इनकम टैक्स और जीएसटी और अकाउंट टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए, एक पर्सन है मिस्टर हरि। मिस्टर हरि इज इंप्लॉयड इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिव इन इंदौर। वो कहाँ पे रहते हैं सर? इंदौर में रहते हैं और वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जॉब करते हैं। जॉब करने का मतलब वो सैलरीड इंप्लॉयड है। कौन है? सैलरीड इंप्लॉय है। इनकम डिटेल्स फिनेंशियल ईयर 21-22 की, ये इनकम की डिटेल्स हैं। फिनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि हमारे लिए असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स के लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा सर 22-23, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। तो आप इसके पहले इनकम टैक्स का रिटर्न आईटीआर वन फाइल कर लीजिएगा विदाउट लेट फीस के। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उनकी जो इनकम्स उन्होंने जो बताई है वो इनकम हम यहाँ पर देखते हैं। उनकी सैलरी से इनकम हो रही है सर, उनकी बेसिक सैलरी है 25,000 पर मंथली। मंथली डीए है सर 5,000, एचआर है 6,000 और एक्चुअल एचआर पेड 4,000 रुपीज का उन्होंने एचआर पे किया हुआ है। दूसरा सर, उन्होंने क्या लिया हुआ सर, एक हाउस परचेस किया था जिसकी वैल्यू 35 लाख रुपीज थी और उन्होंने हाउस परचेस करने के लिए एचडीएफसी से 18,19,000 यानी कि 18,90,000 का उन्होंने लोन लिया। जब वो लोन लिया उसमें सर उन्होंने 1,80,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट पे करी 21-22 के अंदर। जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसके अंदर दो फिगर होते हैं, एक सर आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, दूसरा आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में 60,000 पे किए और इंटरेस्ट के रूप में 1,20,000 पे किए। एंड उनकी कुछ अदर इनकम थी, उनका सेविंग अकाउंट से उनको इंटरेस्ट मिला सर 12,300 रुपीज का। उन्होंने सर एफडी करवाई थी जहां पर 45,000 का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से उनको ये मिला सर। उनका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है हमारे टीडीएस के पर्पज से कि उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ या इस साल हमारा इंटरेस्ट कितना बना, क्योंकि एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो अक्रूड बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि एफडी आपकी 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल की भी हो सकती है। तो जब मैच्योरिटी के टाइम पे इंटरेस्ट मिलता है तो उस समय रिकॉर्ड नहीं करके एक्रुअल बेसिस पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से 45,000 की हमारी इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन वो पैसा अभी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। कमीशन है सर 25,000, उन्होंने कुछ किया था यानी कि कोई प्रॉपर्टी ब्रोकरेज किया ऐसा कुछ भी किया, उनकी 25,000 रुपीज का उनका कमीशन आया। उन्होंने सर इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने एलआईसी में पे किया सर 23,650, पीएफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया सर 18,000 एंड ट्यूशन फीस पेड 46,000 की ट्यूशन फीस पे की है उन्होंने और टीडीएस डिडक्टेड 4,500 यानी 4,500 का उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब यहां पर आपको क्या करना है सर, प्रिपेयर कंप्यूटेशन ऑफ आईटी रिटर्न। तो यहाँ पर हम प्रिपेयर कंप्यूटेशन करते हैं एक्सेल के अंदर। तो अब एक्सेल के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स दी जाती है, एक्सेल के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स दी जाती है ये हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम देना है, तो नेम में आ जाएगा क्या नाम है, मिस्टर हरि।
मिस्टर हरि आ गया, उनके फादर का नाम हम मान सकते हैं मिस्टर मोहन, उनका एड्रेस इंदौर, अब यहाँ पर उनका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि उनका पेन नंबर जो भी होगा आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ पेन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी, सेक्स मेल, रेजिडेंसी स्टेटस वो रेजिडेंट है, स्टेटस इंडिविजुअल है, और असेसमेंट ईयर हम कौन से असेसमेंट ईयर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा असेसमेंट ईयर 2022-23 एंड प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा सर हमारा 21 एंड 2022। रिटर्न हम कौन सा फाइल कर रहे हैं सर, ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने उनका कोई रिटर्न फाइल नहीं किया था, ये ओरिजिनल रिटर्न है। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप रिटर्न में यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रिवाइज रिटर्न है। चलिए तो अब हम हेड वाइज कंप्यूटेशन प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर जब ITR 1 आप फाइल करते हैं तो ITR 1 के अंदर 3 हेड्स होते हैं, एक होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 3 हेड्स की इनकम का हम कैलकुलेशंस करते हैं ITR 1 के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ITR 1 के अंदर इनकम हेड्स के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, हमारा जो फर्स्ट हेड होगा वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, उसको हम बोल्ड कर देंगे ताकि थोड़ा सा अलग दिखे ये। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा हो गया। अब इनकम फ्रॉम सैलरी का कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। अब इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर आप यहाँ पे इनकम देखें तो कैसे हो रही है सर, बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथली, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी पर मंथ है तो ईयरली कितनी होगी, ईयरली होगी सर 3 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे सर 3 लाख रुपीज। बेसिक सैलरी के बाद में उनको और क्या मिल रहा है सर, डीए मिल रहा है यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस कितना है सर 5,000 पर मंथली, दैट्स कॉल्ड 60,000 ईयरली। एंड HRA हाउस रेंट अलाउंसेस उनको मिल रहा है, हाउस रेंट 6,000 पर मंथली, दैट्स कॉल्ड 72,000। अब सर हम यहाँ पे बात करते हैं HRA का कैलकुलेशन। अब उन्होंने क्या बोला सर, यहाँ पे एक्चुअल HRA पेड 4,000 पर मंथली, लेकिन हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि सर उन्होंने क्या किया हुआ, खुद का घर लिया हुआ है और वो खुद के घर में ही रहते हैं यानी कि वो अभी रेंट पे नहीं रह रहे हैं। जब वो रेंट पर नहीं रह रहे हैं तो HRA का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलता है। एक्चुअल में अगर आपको HRA मिला है और आप अगर एक्चुअल में HRA पेड कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअल HRA पेड लिखा हुआ है 4,000 पर मंथली, लेकिन HRA का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, 3 प्रोसेस के अंदर है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी उनको HRA का एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है, वो खुद के घर में रह रहे हैं। आपको HRA का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग से सेपरेट आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि सर आपको HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। तो टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी हम यहाँ पे सम कर देंगे तो सम में आ गया सर 4,32,000 आपकी ग्रॉस सैलरी हुई। अब ग्रॉस सैलरी में से हमको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है सैलरी के अंदर सेक्शन सबसेक्शन IA के अंदर, तो यहां पर हम माइनस कर लेते हैं, डिडक्शंस में लिख लेंगे डिडक्शंस, कौन सा डिडक्शंस मिलेगा सर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस सैलरी चैप्टर्स के अंदर मिलता है। सैलरी के अंदर 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है व्हाट एवर योर सैलरी। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है तो भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा, और अगर आपकी सैलरी 10 लाख है फिर भी आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं सर 50,000 रुपीज आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या होगा सर, नेट सैलरी क्या जाएगी सर, नेट सैलरी, तो नेट सैलरी हमारी यहाँ पर आएगी, हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या हो जाएगा सर आपका इज इक्वल टू 4,32,000 माइनस 50,000 यानी कि 4,27,000। यस दिस वन सेकंड, 3,82,000 क्या है सर इनकम फ्रॉम सैलरी से अमाउंट आया। ये क्या है सर, ग्रॉस सैलरी आपकी यहाँ पर आई थी
4,32,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने माइनस कर दिया 50,000 रुपीज, तो आपकी नेट इनकम कितनी आ गई सर? आपकी नेट इनकम आ गई 3,82,000 रुपीज। तो ये आपका सैलरी का आपको डिडक्शन, सैलरी में आपको बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल होती है, डीएनएस अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है, एचआरए, एचआरए का आपको एग्जेंप्शन मिलता है, वो एग्जेम्पशन आपको नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर्स में हम लोग कवर करवा दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने से 3,82,000 की नेट सैलरी यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आपको कितनी इनकम है? 3,82,000। अब क्या करेंगे सर हम, अदर हेड है हमारे, अदर हेड में हम सेकंड हेड की बात करेंगे सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं एन्यूअल वैल्यू। एन्यूअल वैल्यू का मतलब होता है कि सर आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया। अब यहां पर उन्होंने क्या कमाया हुआ सर, खुद के लिए घर परचेस किया था, यानी कि वो खुद के घर में रह रहे हैं। जब खुद के घर में अगर कोई रहते हैं तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तो उसकी एन्यूअल वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। एन्यूअल वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। जब एन्यूअल वैल्यू जीरो होती है तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी यहां पर नहीं मिलता है। जब एन्यूअल वैल्यू जीरो होती है तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको यहां पे नहीं मिलता है, चाहे उन्होंने म्युनिसिपल टैक्स कितना भी पे किया हो। अब यहां पर क्या आ गया सर, एनएवी, नेट एन्यूअल वैल्यू भी कितनी हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी। इसके बाद सर उन्होंने 30% ऑफ एनएवी, एक और डिडक्शन मिलता है यहां पर 30% ऑफ एनएवी। अब जबकि 30% ऑफ एनएवी कब मिलता है, जब आपकी NAV के अंदर कुछ अमाउंट हो, तो यहाँ पर NAV के अंदर भी कुछ अमाउंट नहीं है, इसलिए ये भी डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। अब सर क्या बचा है यहाँ पे, अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है सर, ही पेड 1,80,000 रुपीज एज इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे की, उसमें से उन्होंने इंटरेस्ट पे किया 1,20,000 रुपीज। अब 1,20,000 जो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है होम लोन के लिए, उसकी डिडक्शंस आपको सैलरी सॉरी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर्स के अंदर मिलती है। अब अगर आपकी एन्यूअल वैल्यू जीरो है फिर भी आपको इंटरेस्ट की डिडक्शंस मिलेगी, और अगर आपकी एन्यूअल वैल्यू अगर कुछ भी है फिर भी आपको इंटरेस्ट की डिडक्शंस मिलेगी। अगर आपकी एन्यूअल वैल्यू जीरो है तो डिडक्शंस की लिमिट है सर 2,00,000 रुपीज, यानी कि साल के अगर 2,00,000 रुपये तक अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको उसका डिडक्शंस यहां पर मिलेगा। तो हम यहां पर माइनस बात करते हैं सर डिडक्शंस इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन कितना इंटरेस्ट पे किया सर उन्होंने 1,20,000 रुपीज। अब ये 1,20,000 रुपीज का उन्होंने इंटरेस्ट पे किया। अब सर अगर आपकी एन्यूअल वैल्यू है ये जीरो है, जीरो में से अगर हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमारी इनकम जो आएगी वो सर आएगी -1,20,000 रुपीज। कितनी आएगी सर, -1,20,000 रुपीज ये हमारी इनकम आएगी। ओके, तो यहाँ पर दो हेड से आपकी इनकम आ गई है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सर हम आगे बात करते हैं एक और हेड से हमारा, जहां पर इनकम हो रही है। देखिए दो हेड्स हमने सैलरी हेड्स की इनकम ले ली, सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम ले ली। अब हम बात करते हैं सर अनदर इनकम। अब ये अनदर इनकम कैसी है सर, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, यानी कि ये तो ना सैलरी है ना हाउस प्रॉपर्टी है ना बिजनेस है ना कैपिटल गेन है, तो कौन से हेड्स में जाएगी सर, ये जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पर एक और हम लिखेंगे सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे पहले सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना है सर, सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपका 12,300 रुपीज। यहां पर ये आपको दिख रहा है 12,300 रुपीज। नेक्स्ट इनकम है आपकी इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, एफडी का इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी हाउ मच 45,000। तो आपका ये इंटरेस्ट का एफडी का इंटरेस्ट आपका यहां पर आ गया, एंड
अदर इनकम्स आपकी एक और है जहां पर लिखा हुआ है सर कमीशन इनकम, तो यहां पर हम लिखेंगे कमीशन इनकम। तो यहां पर तीनों हेड्स आपकी इनकम आ गई। अब इन तीनों का आप यहां पर ऐड करेंगे जो भी आएगी आपकी, तो ये आ गई आपकी 82,300 रुपीज। अब आपकी तीनों हेड्स की इनकम आपके पास में है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम आके आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की आ गई और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आ गई। अब आपको यहां पर आएगी सर ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम कैसे आती है, सभी हेड्स की नेट इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो ग्रॉस इनकम आती है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे तीनों की। अब सर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1,20,000 है, यहाँ पर ये जो 1,20,000 है ये क्या है सर, इनकम माइनस में है और ये इनकम क्या है सर, प्लस में है। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है किसी भी हेड के सामने एक्सेप्ट कैपिटल गेन के आपकी सेट ऑफ हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे सर यहाँ इसके सामने सेट ऑफ हो जाएगी, तो 1,20,000 वहां पर सेट ऑफ हो जाएगी 3,82,000 में से, और 82,300 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप तीनों को एड करेंगे तो ये फिगर आपका आ जाएगा। कितना सर 3,44,300 रुपीज। इसमें से इस फिगर में से हमने ये फिगर माइनस कर दिया या इन दोनों फिगर को हमने ऐड कर दिया और इस फिगर को हमने माइनस कर दिया, तो हमारी ये क्या आ गई सर ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से यहाँ पर अगर आप लिखेंगे, यहाँ पर ये फिगर ऑलरेडी है आपके पास में, हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ये फिगर आपका ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ओके। तो 3,44,300 रुपीज। अब सर आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A, अब आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शन, यहाँ नीचे लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। आपको 80C to 80U के जो डिडक्शन मिलते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि आप अलग से बता सकते हैं किसी को सर कि हमारे यहाँ पे ये इस तरह से डिडक्शंस थे। ओके, तो सबसे पहला अगर आपने इन्वेस्टमेंट क्या किया है सर, तो यहाँ पर आपने जैसे प्रीमियम पेड किया LIC के लिए, अगर आपने प्रीमियम पेड किया है तो उसका डिडक्शंस आपको सेक्शन 80C के अंदर मिलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे डिडक्शंस LIC पेड, इतना है सर 23,650। इसके बाद सर PF इन्वेस्टमेंट, PF की भी डिडक्शन आपको मिलती है 18,000 रुपीज, एंड ट्यूशन फीस पेड, तो इसकी भी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलती है 46,000। और सर आपको यहाँ पे एक और डिडक्शन मिलती है कि आपने होम लोन लिया हुआ, होम लोन का आपने जो इंटरेस्ट पे किया उसकी डिडक्शन आपने यहाँ पर ले ली डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B के अंदर, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। लेकिन जो प्रिंसिपल आपने पे किया 60,000 रुपीज का, ये जो आपने 60,000 रुपीज का प्रिंसिपल पे किया इसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंदर मिलता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि होम लोन प्रिंसिपल कितना है सर 60,000 रुपीज। तो टोटल आपका डिडक्शन कितना हो गया 1,47,650। आपको सेक्शन 80C के अंदर अप टू डिडक्शन मिलता है अप टू रुपीज 1,50,000 रुपीज तक। कितना मिलता है सर 1,50,000 रुपीज तक का डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंदर मिलता है। एक और डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा सर, आपने लिखा हुआ है कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट 12,300 रुपीज, तो यहां पर डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन TTA, अंडर सेक्शन 80
ये क्या डिडक्शन है सर? ये डिडक्शन है कि अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट की इनकम अगर 10,000 रुपीज से ज्यादा है तो अपटू 10,000 रुपीज का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो डिडक्शन इंटरेस्ट सेविंग बैंक इंटरेस्ट ये एटीसी के अलावा है, तो यहाँ पर आपको ये 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो टोटल डिडक्शन आपकी यहाँ पर, टोटल डिडक्शन हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1,57,650। कितनी है सर? 1,57,650। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 है, कितनी आएगी सर? 1,57,650। अब हमारी इनकम कितनी होगी? नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम कितनी होगी सर? 1,86,650। अब ये इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, यानी कि आपकी एग्जम्पशन लिमिट कितनी है सर? 2,50,000 रुपीज। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इनकम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये बेसिक सैलरी जो 3 लाख है उसकी जगह हम 5 लाख रुपीज कर देते हैं। जैसे आप इनकम 5 लाख रुपीज कर देंगे, आपकी यहाँ पर इनकम 6,32,000, 6,32,000 माइनस ये हम करेंगे यहाँ पे, जैसे आपने 5,82,000 आपने यहाँ पे एंटर किया, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर फिगर आ गया सर 3,86,650। अब यहाँ पर ये आपकी इनकम आ गई सर, ये इनकम हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, यानी कि ये आपकी ग्रॉस सैलरी थी। ग्रॉस सैलरी में से ये डिडक्शंस किया, ये इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी ये आ गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तीनों इनकम को हमने ऐड किया तो 5,04,00,300, यानी कि 5,44,300। उसमें से हमने डिडक्शन अंडर सेक्शन 6(1), डिडक्शन कहाँ से आया सर? डिडक्शन आपकी ये रहे, LIC पेड, PF, ट्यूशन फीस एंड होम लोन इंटरेस्ट, ये आपका डिडक्शन है सेक्शन 80C के अंदर। तो टोटल डिडक्शन 1,47,600 हो गया। एंड TTA के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है सर सेविंग बैंक इंटरेस्ट का अपटू ₹10,000। तो यहाँ पर ये डिडक्शन आपको मिल गया, टोटल डिडक्शन आपका 1,57,650 है जो डिडक्शन ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या है सर, उसका माइनस हमने फिगर कर दिया। अब हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? अपटू 0 to 2,50,000 0% टैक्स है, 2,50,000 टू 3,86,650 5% का टैक्स है, तो आपका फिगर कितना आता है सर? 3,86,650 माइनस 2,50,000, ये आ गया सर फिगर आपका 1,36,650। इसके ऊपर आपको 5% करना है, ये करेंगे सर इनटू 5/100, तो आपका ये जो मिलता है सर आ जाता है 6,832। इस ये आपका क्या है सर? टोटल टैक्स है, ये क्या है आपका? टोटल टैक्स है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6,832.50, ठीक है, 6,832.50। कौन सी इनकम पे हुआ सर? 1,36,650 के ऊपर, क्योंकि सर 2,50,000 तक आपकी एग्जम्पशन लिमिट है, एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर 5 लाख तक आपको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। तो हमारी ये इनकम यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो 6,832 हमारा क्या आया सर? टैक्स पेबल आया। कितना आया सर हमारा ये? 6,832। अब आपको एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी इनकम, अगर आपकी नेट इनकम, अब हमने ये देख लिया सर नेट इनकम कैसे निकालते हैं, अगर आपकी नेट इनकम अप टू ₹5 लाख तक है, अगर आपकी नेट इनकम अप टू ₹5 लाख तक है तो आपको सेक्शन 87A यानी कि रिबेट अंडर सेक्शन, रिबेट अंडर सेक्शन 87A की 12,500 रुपीज तक की रिबेट मिलती है। कैसे? 5 लाख है तो 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है सर, 2.5 लाख आगे बचते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो 12,500 रुपीज टैक्स बनता है 5% के हिसाब से, तो ये आपको पूरी रिबेट मिल जाती है।
तो यहाँ पर क्या है सर आपका, यहाँ पर आपको टोटल टैक्स कितना बन रहा है 6,832, तो आपको रिबेट कितनी मिलेगी सर 6,832.50। ये क्या हो जाएगा सर आपका, ये क्या हो जाएगा आपका फिगर माइनस हो जाएगा, तो टैक्स पेबल कितना हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6,832 टैक्स पेबल था, टैक्स टोटल टैक्स था, उसमें से आपको इतने डिडक्शंस मिल गई। कौन सी डिडक्शन? सेक्शन 87A के अंदर वो डिडक्शंस क्यों मिलती है, क्योंकि आपकी नेट इनकम, ये आपकी नेट इनकम जिसको हम बोलते हैं नेट टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, कितनी है सर 5 लाख है, तो आपको यहाँ पर ये क्या मिल गया सर डिडक्शंस मिल गया। अब आपका टीडीएस कितना है, हमने यहाँ पर देखा था आपका टीडीएस कितना है सर 4,500, तो अब यहाँ पर आप फिगर करेंगे सर 4,500 रुपीज, तो आपका नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल, तो सर यहाँ पर आ जाएगा आपका रिफंडेबल 4,500 रुपीज, आपका क्या हो जाएगा सर रिफंड हो जाएगा। तो ये है सर आपका प्रॉपर तरीके से कंप्यूटेशंस। अगर आप ये कंप्यूटेशन की एक्सेल शीट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है KSR Academy कॉमर्स इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की गई है। अब इसी कंप्यूटेशन के बेस पे हम कल ITR 1 फाइल करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको ITR 1 फाइलिंग प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको सैलरी यानी कि ITR 1 का कंप्यूटेशन एक्सेल के अंदर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।